हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि सीएससी एसपीबी की तरफ से ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लाया गया है, जहां पर दोस्तों आप सबसे पहले अपना VLE है तो सेंटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी कैंडिडेट का ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या फिट होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ 59 रुपीज़ में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट होगा वो घर बैठे ऑनलाइन दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, जो कि आप इस वीडियो में अभी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं कि कैसे हम यहाँ पर दोस्तों सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में आपको जो कुछ भी सिखाया जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। अभी चलिए जान लेते हैं कि सीएससी वॉलेट के द्वारा हम 59 रुपीज़ चार्ज दे करके कैसे हम सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं सीएससी से जुड़ी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉग इन कर लेना होगा। सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा CSC स्किल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप सर्च करेंगे CSC SKILL स्किल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है CSC सेल्फ पेड कोर्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहीं से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं skill.cscservices.in, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेंटर रजिस्ट्रेशन करके रखा है। सेंटर रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको, सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका आपको बताया गया है वीडियो के माध्यम से, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपको बहुत सारा कोर्स मिल रहा है। सिर्फ आप यहाँ से स्किल डेवलपमेंट ही नहीं, इसके अलावा आपको तरह तरह के कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी कोर्स करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। आपको सेल्फ पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सेल्फ पेड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कोर्स नेम सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोर्स फी मात्र 59 रुपीज़। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। उसके बाद अगर आप दोस्तों बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में सेलेक्ट कीजिएगा, आप देख सकते हैं मिस्टर है, मिसेस है, तो जो भी है जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद VLE स्टेट, VLE का स्टेट क्या है, क्योंकि आपको पता है आप एक VLE हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो VLE का स्टेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आप कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखेंगे, कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे टाइप, टाइप में दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि SO DO WO CO, तो जो भी गार्जियन है उनका, जैसे आप फादर लिख रहे हैं ठीक है, तो सन ऑफ होगा। अगर पति हैं कि जिनका आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करें उनका, अगर पति का आप डिटेल दे रहे हैं तो वाइफ ऑफ करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे सन ऑफ का हम यहाँ पे इंटर करेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जो भी मांगा गया है, मदर नेम। उसके बाद कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो लिखिएगा, स्टेट जहाँ का भी है वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हैं वो उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कीजिएगा यानी अब इंटर कीजिएगा। उसके बाद उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कोर्स का नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स, और 59 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। चलिए जल्दी से इस फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो जो डिटेल मांगा गया है बिल्कुल सही सही हमने फिलअप कर लिया है। ध्यान रहे आप भी जो भी डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे एकदम सही से दोस्तों आपको सही से इंटर करना है, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं CSC का जो पोर्टल है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे पे पोर्टल में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अमाउंट 59 दिखा रहा है, लेकिन वॉलेट अमाउंट सिर्फ 35 रुपीज़ 25 पैसा ही कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आपके नज़दीकी में जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन करिए, और उसके बाद यहाँ से आप ही अर्निंग कीजिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है सारा डिटेल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ,
ये डिटेल आप देख सकते हैं और आपके नज़दीकी में जितने भी लोग हैं उसका स्किल डेवलपमेंट होगा तो आपका जो एरिया है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों छोटा सा अमाउंट दे करके लोग अच्छे से यहाँ से सीख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उसका रिसीप आ चुका है, इसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फ्रेंड्स जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद कैंडिडेट को आप उनका जो भी डिटेल है प्रिंट आउट आप उनको दे दीजिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन का स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद बहुत ही आसानी से कैंडिडेट अपना इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे कंप्लीट करना है, उनका जो रिसीविंग है उसी में दोस्तों लिखा हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन URL दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस लॉगिन पर आना होगा, यानी कि आप देख सकते हैं इस लिंक पर आना होगा और उसके बाद जो यूज़र नेम होगा यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद जो पासवर्ड होगा यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी स्लिप में उनका ID पासवर्ड लिखा रहेगा, बहुत ही आसानी से वो कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया है कि कैसे दोस्तों बहुत ही आसानी से सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।